स्किन को किस तरीके से रिपेयर करें। काफ़ी लोग की स्किन काफ़ी डल हो गई, स्टेरॉयड क्रीम यूज़ करके उनको मेलाज्मा हो गया, स्किन में काफ़ी पिंपल हो गए, एक नहीं हो गए, काफ़ी स्किन में डार्क सर्कल दिखाई देने लगे, स्किन में किसी तरीके का ग्लो नहीं आ रहा है, निखार नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको रेमेडीज बताने वाला हूँ वो काफ़ी इफेक्टिव होने वाली है और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपकी स्किन में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना, और आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करना है, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन जाओ। दोस्तों इस रेमेडीज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 से 2 चम्मच के करीब बेसन को ले लेना है। दोस्तों बेसन हमारे फेस के लिए एक स्क्रबिंग का काम करता है, जिन लोग की स्किन में स्क्रबिंग की जरूरत है तो उसको ये पूरा करेगा, और जिन लोग की स्किन में काफ़ी एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो गई है, मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो गई है, स्किन में कोई लाइटनिंग नहीं आ रही है उसको ये लाइटनिंग लुक देने के लिए, स्किन में एक निखार देने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो हमें 1 से 2 चम्मच के करीब बेसन को एक बाउल के अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद हमें 1 से 2 चम्मच के करीब इसी के अंदर हमें मिल्क को लेना है। दोस्तों मिल्क हमारे स्किन को रिपेयर करने के लिए, स्किन में ग्लो लाने के लिए, निखार लेने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो 1 से 2 चम्मच के करीब इस बेसन के अंदर हमें क्या मिलाना है, मिल्क को, रो मिल्क को ऐड कर देना। दोस्तों काफ़ी इफेक्टिव होता है हमारे स्किन के लिए। हमें थर्ड चीज़ लेना, वो भी काफ़ी फायदेमंद होती है हमारी स्किन को काफ़ी निखार लाने में और स्किन की जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए, स्किन में से डर्ट को क्लीन करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें 1 चम्मच के करीब लेमन का रस मिला देना है। तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब दोस्तों बात करेंगे इसको यूज़ करने की, तो आपको इसको पहले यूज़ करने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है फेस वॉश से, उसके बाद इसको अप्लाई करना है। दोस्तों आप इसको आधे घंटे बाद भी इसको वॉश कर सकते हो या आप ओवरनाइट के लिए भी लगा कर रख सकते हो। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो छोटी सी आपको जरूर पसंद आएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।